सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में आज की वीडियो हम फिर से एक फौजी भाई के यहाँ से लेके आ रहे हैं। सबसे पहले पशुपालक भाइयों को मैं इनसे मिलवाऊंगा और इनका जो एड्रेस है वो जानेंगे, बाद में जोटी के बारे में डिटेल से पूछेंगे। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या है? भाई साहब मेरा नाम पवन कुमार है और हमारे गांव भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में आपका आने पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। अपने पास जो कैमरे के सामने जोटी, कौन से ब्यात की? फर्स्ट इलेक्शन है। फर्स्ट में? हाँ जी। और इसकी जो मदर का मिल्क कितना रिकॉर्ड करवाया भाई? मदर का भाई साहब इसके का 16 लीटर था। और फादर कौन सी लाइन से? फादर है सारे पंचायती है, चंडीगढ़। पंचायती से? तो अभी कितना टाइम बाकी है इसको बच्चा देने में? भाई साहब इसके 20 तारीख को दिन पूरे होंगे, उससे ऊपर जो भी दिन लेगी, 5 दिन लो, 4 दिन लो, देख लो। थोड़ा इस साइड बोल एक बारी, मुंह से दांतों में कैसे अभी जोटी? 4 दांत इधर बोलो। तो देखिए फर्स्ट टाइमर जोटी सोनीपत, तकरीबन पानीपत से लगता हुआ इलाका, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पशु बार बार हमारी वीडियोज़ में कैमरे के सामने आ रहा है और बहुत ही बेहतरीन जो ऑर्डर की क्वालिटी किसी फर्स्ट टाइमर जोटी की देखने में मिली है, जो बिल्कुल टाइट और जोशीले ऑर्डर की जो थनों की क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल मोटिया आकार के थन, 4 दांत यानी 2 और 4 दांत जो जोटियाँ होती हैं फर्स्ट टाइम में काउंटिंग उन्हीं की होती है सही मायने में। तो देखिए जो इसकी थनों की क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल मोटिया आकार के थन, अभी बच्चा देने में टाइम बाकी है, थोड़ा और पशुओं से दूरी होने के कारण जोटी थोड़ी परेशान जरूर कर रही है, एक बार खोल लो भाई इसको। बाकी जो इसकी क्वालिटी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं बिल्कुल छोटे सींग की लंबाई ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा और बिल्कुल पतली चमड़ी की, एक मुर्रा जिसकी जो एक अच्छे मुर्रा के जो बॉडी स्ट्रक्चर या जो गुण होने चाहिए एक पशुधन में वो सभी इसके अंदर। उधर ले चलो भाई, ले आओ। ये देखिए पशुओं से थोड़ी दूर होने के कारण थोड़ी भागदौड़ कर रही है, लेकिन काफ़ी शानदार क्वालिटी की टेल, नीचे से थोड़ी ज़्यादा वाइट तकरीबन होगी, 5-6 इंच वाइट, बाकी काफ़ी चौड़ी पीठ पुट्ठे की और बिल्कुल छोटे सींग की, अच्छा पशु दिखाने के प्रयास में आज काफ़ी लंबा सफ़र तय करके भाई के पास पहुँचे हैं। तो भाई साहब वैसे अभी इसको डाइट में क्या क्या दे रहे हो अब? डाइट में भाई साहब गेहूँ का दलिया और बिनौला दे रहे थे। अच्छा, तो जो जिस हिसाब से आपके घर की तैयार की हुई है, तो जो इसके पहले भी इसकी माँ भी आप ही के पास थी, तो अंदाजन अमूमन किस दूध की आप फर्स्ट टाइमर जो आपके इस जो घर की तैयार की हुई जो ये जोटी है इसकी जो ब्लड लाइन से आप क्या अनुमान लगा रहे हो पहले ब्यात में? पहले ब्यात में कम से कम 15+ जोटी रहनी चाहिए। 15+? बिल्कुल जी जी। तो ये बिक्री के लिए भाई एक बार अपना संपर्क नंबर बताए। 80-539। हाँ जी। 72-305। थोड़ा इस साइड ले लो एक बार जोटी को, अंदर ले चलो उसमें। ये देखिए जो फेस वैल्यू है बिल्कुल शो क्वालिटी की, क्योंकि किसी भी मुर्रा पशुधन का अगर हेड या हम कहें सींग जितना छोटा होगा उतना ही देखते ही बनता है, बाकी नीचे से आप देख सकते हैं, क्योंकि हम अपनी वीडियोस में जो प्रयास करते हैं कि पशु संपूर्णतः दिखाई दे उसी के अंदर आज की वीडियो सोनीपत ज़िले से लेके आ रहे हैं। जो भी भाई इस जोटी को ख़रीदना चाहता है वो इनका जो संपर्क नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है, इनसे संपर्क कर सकता है। आप भाइयों को इन जो फौजी साहब का ये पशुधन है कैसा लगा? तकरीबन हम जो आर्मी जो डिफेंस में जॉब करने वाले हैं या जो वीडियो हम सर्विस वालों की कवर करते हैं उसमें थोड़ा विश्वास इसलिए कर लेते हैं कि जो अगर देश की रक्षा करने वाला है वो कभी उस पर अगर हम शक करें तो वो गलत होगा। तो काफ़ी अच्छे पशु जो फौजी हैं शौकीन हैं, जब भी छुट्टी आते हैं तो अच्छे अच्छे पशु हमारी वीडियोस में दिखाते हैं। ये देखिए लंबा आर्डर जोशीला, अच्छे दूध की उम्मीद हम जोटी से कर सकते हैं। तो सभी भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये जोटी कैसी लगी, ताकि फिर से किसी पशुपालक के यहाँ से वीडियो लेके आएँ। आपका कॉमेंट और लाइक काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।